अखां दे विच हंजू ते अंदरों अंदरी चुरदा पियो। मां दियां इह तहां तां आसमान चीरन वालियां ने। सोग दियां इह तस्वीरां नायब सूबेदार ओंकार सिंह दे घर दियां ने। पठानकोट के पिंड नाजोवाल दा ओंकार सिंह भी उन्हां 16 भारतीय जवानां दे विच शामिल सी जिसने शुक्रवार नूं सिक्किम दे विच होए सड़क हादसे दौरान अपनी जान गवाई। ये ओंकार सिंह जिन्हां दा छोटा नाम ही काका प्यार नाल बहुत वधिया ही आपां इकट्ठे पढ़े आ खेडे आ ते साडा भरा होनहार ही जिहड़ा आर्मी चला गया ते पूरे पिंड नूं इहनां ते पूरा माण सीगा कि यार मुंडा बहुत वधिया कोई नशा पत्ता नहीं कुछ नहीं हैगा ते बहुत ही वधिया ही उहनां नूं जिहड़ी इहनां दी शहीद दी खबर मिली आ उहदे नाल पूरा पिंड जिहड़ा बड़ी नम अखां नाल मतलब कि सारे आंढ गुआंढ की पूरे पिंड दा ही जिहड़ा इक कमर टुट गई साडी सारिआं दी। नायब सूबेदार ओंकार सिंह 17 साल पहला आर्टरी रेजिमेंट दे विच भर्ती होए सन। शुक्रवार नूं सिक्किम दे विच होए दर्दनाक हादसे की खबर जिवें ही नायब सूबेदार ओंकार सिंह दे घर पहुंची तां इलाके दे विच सोग दी लहर सी। बजुर्ग मापिआं दा रो रो बुरा हाल है। मिला है तो उसमें सारा परिवार उसमें दुखी है, क्या करना। एक बेटा है और 3 बहन है उसकी, 2 बहन बड़ी है एक छोटी है, तीनों शादीशुदा है, माई मदर है फादर है। कैसे थे ये पढ़ने में लायक थे? पढ़ने में बहुत लायक थे और ये जल्दी प्रमोशन भी इन्होंने उसका अपना कोर्स करके GMT का कोर्स किया था, उसके बाद जल्दी नायब सूबेदार बन गए हैं और उसके बाद 2 बार अफसर का भी टेस्ट दिया, उसमें थोड़े से नंबरों में इंटरव्यू में शायद रहे। कितने सालों की भर्ती हुए? भर्ती इनको तकरीबन 17 साल तकरीबन। शुक्रवार नूं उत्तरी सिक्किम दे जैमा विच वापरे भयानक सड़क हादसे दौरान भारतीय सेना दे 16 जवानां दी जान चली गई सी, जिन्हां दे विच पठानकोट दे नायब सूबेदार ओंकार सिंह भी शामिल सन। ओंकार सिंह 3 भैणां दा इकलौता भरा सी, उह अपने पिछे 5 साल दा बेटा, पत्नी ते बजुर्ग मापे छड्ड गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।